हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है, वर्ल्ड सुपर लीग के लिए क्वालिफाई करेंगे। और बिल्कुल नए लड़के हैं, ऑलमोस्ट सबको देखा हुआ है काउंटी में भी और बाकी लीग्स में भी, लेकिन जो नए चेहरे आए हैं उस पर हमने थोड़ा सा एनालिस्ट के साथ बैठ के काम किया, उनको देखा है, उनकी बॉलिंग बैटिंग, जो नए प्लेयर्स हैं तो उन पे काफ़ी मेरे ख्याल से हमारा जो एनालिस्ट है उनमें एकदम जो एक दिन पहले मैच से पहले जो एकदम टीम चेंज हुई है उस पर हमने काम किया है, उन पे हमने देखा है। तो बिल्कुल फोकस वैसे ही है, वन नंबर वन टीम है, उसके अगेंस्ट आपको पूरा पॉजिटिव होना पड़ेगा, फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और उसी उसी तरीके से हम खेलेंगे जी। फोकस तो हमारा ग्राउंड पे ही है और ऐसी कोई माइंड में कोई बात नहीं है। ये देखें, एज अ प्रोफेशनल आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। फिर वही बात कि COVID-19 चल रहा है, किसी भी पूरी दुनिया में चल रहा है, तो इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हमारे माइंड में कभी ऐसा नहीं आया। लेकिन हम यही है कि क्रिकेट को प्रायोरिटी दे रहे हैं पहले और उसी पे फोकस रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई और आइडियल सिचुएशन नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। COVID-19 चल रहा है और 1.5 साल से हम इसमें हैं और बबल में हैं, लेकिन ECB और PCB ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया कि इन चीज़ों को हम मज़ीद अच्छा करेंगे। और स्पेशली मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहता हूँ अपने लड़कों को, अपनी टीम को, जो इस सिनेरियो में वैसे ही पॉजिटिव सोच रहे हैं, वैसे ही माइंडसेट बना रहे हैं और कोई किसी के माइंड में ऐसी कोई बात नहीं आई। और मेरे ख्याल से 1.5 साल होने वाला हम इसी बबल में रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग क्राउड के लिए और अपने लिए काफ़ी मुश्किल होता है एज अ प्लेयर, एज अ ग्रुप, सिर्फ आप होटल में रहना और ग्राउंड, तो मेरे ख्याल से काफ़ी क्रेडिट देना चाहिए प्लेयर।